गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ रोहित मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कलान सुल्तानपुर. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई के अबाउट स्टडी कर रहे थे, और उस रिफरेंस में आज हम न्यूक्लियर की बेसिक प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए हम न्यूक्लियर की डेंसिटी को स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होती है वो होती क्या है. तो फर्स्ट नाउ वी टेक दी न्यूक्लियर डेंसिटी. न्यूक्लियर डेंसिटी, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब यहां पे हम मास, किसकी मास की बात कर रहे हैं? हम यहां पे न्यूक्लियस मास की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम, वॉल्यूम न्यूक्लियस का वॉल्यूम. तो यहां पे मास ऑफ न्यूक्लियस हमें पहले ये पता होना चाहिए. और जैसा कि ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन द स्फेरिकल सेल, देन वी हैव द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहां से अगर हम मास को कैलकुलेट कर लें, मास को फाइंड आउट कर लें, तो उस केस में हम न्यूक्लियर की डेंसिटी को पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी. तो वी नो दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस, वी नो दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन. ये होता है न्यूक्लियस का मास. तो नाउ इफ वी टेक एम पी इज इक्वल टू एम एन, मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे हम MN लिखे हुए हैं, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इसकी जगह पे हम MP को लिख सकते हैं. तो उस कंडीशन में मेरे पास हो क्या जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, यहाँ से ZMP प्लस A माइनस ZMN, और MN की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? मास ऑफ प्रोटॉन MP. ZMP प्लस मल्टीप्लाई कर दें AMP माइनस ZMP, ये यहां से कैंसिल आउट हुआ, एंड वी फाउंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस AMP. तो यहां से हमें मिल क्या गया? ये न्यूक्लियस का मास मिल गया. तो यहां से अगर हम डेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहें कि न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती क्या है, तो यहां से हमें ये पता हो गया ये मास किसका है? न्यूक्लियस का मास है. और जो वॉल्यूम होता है, बिकॉज वी टेक द न्यूक्लियस इन द शेप ऑफ स्फेरिकल, देन वी हैव द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वी नो दैट 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. Then we have a density. Density is equal to mass. Mass upon volume. Mass क्या निकल के आया? AMP. क्या निकल के यहां से आया? AMP. AMP. अपान हो यहां से ये वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है. यहाँ हम पुट कर दें 4/3 पाई आर
क्यूब, यहाँ से हम एक रिलेशन देखते हैं जो आर क्यूब होता है, और आर क्यूब हम जब फाइंड आउट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है, वो होती है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ पे आर क्यूब हम यहाँ से क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो मीन्स आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से हो क्या जाएगा आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिल गई, आर नॉट क्यूब इंटू ए। यहाँ से अगर हम पुट कर दें यहाँ पे आर नॉट सॉरी आर क्यूब की जगह, तो उस केस में हो क्या जाएगा ए एम पी अपान 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ए से ए ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देन वी हैव एम पी अपान 4, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 4 पाई आर नॉट क्यूब। यहाँ से हम क्या करें, यदि हम वैल्यू को पुट कर दें, किसकी वैल्यू, चूंकि हमें पता है एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता क्या है, वी नो दैट 1.66 इंटू 10^-27 इन के जी, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और 4 पाई आर नॉट क्यूब, और यहाँ से आर नॉट चूंकि आपका कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रेडियस है, और ये हम यहाँ से इसको क्या पुट कर सकते हैं 1.2 इंटू 10^-15, ये आपके मीटर का होता है। यहाँ से एम पी 1.66 इंटू 10^-27 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10^-15 और इसका क्या है क्यूब। सॉल्व इट एंड वी गेट, यदि इसे हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व इट वी गेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, density of nucleus is equal to 2.4 into 10^70 kg per meter cube। जो यहाँ से हम देख रहे हैं जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है वो कितनी हमें मिल रही है, 2.4 इंटू 10^17 kg पर मीटर। तो यहाँ से न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होगी, सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई, न्यूक्लियर की डेंसिटी होगी क्या, बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी 2.4 इंटू 10^17। तो न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई एंड वी कैन नॉट कंप्रेस इट, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये होता क्या है, ये आप एक सॉलिड होता है जिसमें हमारे एटम के टोटल जो मास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वो क्या होते हैं, उस स्मॉल डायमेंशन में कंसंट्रेट होते हैं। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर की जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या। तो न्यूक्लियर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अबाउट हम डिस्कस करेंगे वो आपका है न्यूक्लियर स्पिन।
न्यूक्लियर, ये में आपका होगा फिफ्थ प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन ORR, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई मींस न्यूक्लियस का स्पिन होगा क्या। जैसे हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम हैव टू टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन एंड सेकेंड स्पिन मोशन। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस का जो स्पिन होगा अथवा उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो फर्स्ट हम इसके अबाउट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे वी नो दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, करस्पॉन्डिंग वी गेट द स्पेक्ट्रल लाइन, करस्पॉन्डिंग वी गेट स्पेक्ट्रल लाइन। व्हेन वी सी हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ, यदि हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से एस्टडी करें अथवा एनालिसिस करें, तो हम देखते हैं ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, यह स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, स्प्लिट होती है। द स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग मोर लाइंस, ये और भी लाइंस में क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है। तो इसे हम कहते क्या है, इसी को हम कहते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड हाइपरफाइन, हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम, हाइपर फाइन, हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम। अगर नेक्स्ट हम देखें कि जैसा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एटम में होता है, इलेक्ट्रॉन हैव टू टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट यू नो दैट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंड सेकेंड स्पिन, स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन को पॉजिस करता है। तो यहां पर हम अभी बात कर रहे थे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, द स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड, कॉल्ड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो जैसा इलेक्ट्रॉन्स एटम में टू टाइप का मोशन मींस ऑर्बिटल एंड स्पिन, उसी तरीके से हमारे जो न्यूक्लियांश होते हैं उनका भी जो मोशन होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियांस हैव टू टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑर्बिटल एंड सेकेंड स्पिन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसा अर्थ जो मूव करती है, अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, तो उस केस में क्या होता है, अर्थ फर्स्ट अर्थ जो है वो सन के अबाउट मूव करेगी, उसके चारों तरफ मूव करती है, और सेकेंड कि वो अपने एक्सिस पे मूव करती है। तो सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, हम यहां से फाइंड आउट करें, सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन न्यूक्लियांश, द एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन न्यूक्लियंस न्यूक्लियन इज इक्वल टू जेड वेक्टर इज इक्वल टू एल प्लस एस। जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन न्यूक्लियंस वो होगा वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस। तो सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियंस अगर हम निकालें, सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड ऑफ दैट न्यूक्लियस, सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड ऑफ दैट न्यूक्लियस इज इक्वल टू, अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को निकालें इनसाइड ऑफ दैट न्यूक्लियस तो क्या आएगा, वो आपका होता है, अगर टोटल की बात हम करें तो टोटल मीन्स नंबर ऑफ आपके न्यूक्लियंस होंगे, लाइक एज इलेक्ट्रॉन्स विच मूव इन एटम, तो आपका होगा वेक्टर आई इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये क्या है, ये आपका है एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड ऑफ दैट न्यूक्लियस। अगर इसे हम समेशन फॉर्म में लिखें तो वेक्टर आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, ये आपका होगा एल आई प्लस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन और ये होगा वेक्टर एस आई तो दी शो द टोटल एंगुलर मोमेंटम, सो the total angular momentum can be represented in the form of vector I is equal to vector L plus vector S। यह आपका क्या है, ये total angular momentum है vector I is equal to vector L plus vector S। this angular momentum of the nucleus is known as to its spin, the angular momentum of the nucleus is known as the angular momentum of the nucleus is known as to its spin। ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा न्यूक्लियस का निकल के वो किसके कारण होगा, ड्यू टू द स्पिन, ओनली ड्यू टू द स्पिन। ये जो हमें मिला आई इज इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस, तो यहां से अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं न्यूक्लियस का तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके कारण होगा, ड्यू टू द इट्स स्पिन, उस न्यूक्लियंस के स्पिन के कारण ही होगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर आई, यहां पे हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट अभी नहीं करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर आई एंड हैज मैग्नीट्यूड, this is represented by vector i and has magnitude
मैग्नीट्यूड वेक्टर, मैग्नीट्यूड वेक्टर आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई आई प्लस वन एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें आपका मिल गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस और इसका हमें मैग्नीट्यूड यहां से क्या हुआ ऑब्टेन हो गया। मैग्नीट्यूड आई हैव वेयर आई इज, वेयर आई इज इंटीजर ओ आर आर हाफ इंटीजर, वेयर आई इज इंटीजर, इंटीजर ओ आर आर हाफ इंटीजर। यहां से हम देख रहे हैं जो आई की वैल्यू होगी वो आई की वैल्यू होगी क्या, वो इंटीजर होगी अथवा हाफ इंटीजर होगी। फॉर न्यूक्लियाई विथ इवन मास नंबर, फॉर न्यूक्लियाई विथ इवन मास नंबर नंबर आई हैज इंटीजर वैल्यू, आई हैज इंटीजर वैल्यू, मतलब कि जिस न्यूक्लियाई का जो मास नंबर है अगर वो मास नंबर इवन होगा तो उस केस में हम देखते हैं आई मीन्स क्या है, आई का मतलब एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, वो आपका इंटीजर होगा। फॉर अदर द न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर, फॉर अदर न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर, ऑड मास नंबर नंबर आई हैज हाफ इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू। मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिसके जो मास नंबर है वो अगर ऑड मास नंबर हो, इफ द न्यूक्लियाई हैव ऑड मास नंबर देन द वैल्यू ऑफ आई हैज हाफ इंटीग्रल, जो आई की वैल्यू होगी मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस वो क्या होगा, वो आपका होगा हाफ इंटीग्रल वैल्यू। अगर हम बात करें इफ इफ ए एंड जेड, इफ ए एंड जेड बोथ आर इवन, इफ इफ ए एंड जेड बोथ बोथ आर इवन इवन द न्यूक्लियाई द वैल्यू ऑफ आई इज, वैल्यू ऑफ आई इज जीरो इन ग्राउंड स्टेट। यदि आपका ये है क्या ए मास नंबर है, मीन्स हमारे क्या ये जो न्यूक्लियाई है उनका मास, और ए आप है क्या एटॉमिक नंबर, तो यदि हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर बोथ आर इवन देन द वैल्यू ऑफ आई इज जीरो इन ग्राउंड स्टेट, जीरो इन ग्राउंड स्टेट। ये न्यूक्लियाई का हम एंगुलर मोमेंटम जो फाइंड आउट करते हैं वो एज ए कंपेयर केस के ही थ्रू करते हैं कि जैसा इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में टू टाइप का मोशन पॉजेस करता है ऑर्बिटल एंड स्पिन, उसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई का जो मोशन है वो आपका किसके कारण होगा ड्यू टू इट्स स्पिन। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस के अबाउट डिस्कस करेंगे।